वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा उज़्बेकिस्तान। इमरान खान आज अफगान सदर अशरफ गनी से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म और उज़्बेक सदर के दरमियान 1-on-1 मुलाकात। अफगानिस्तान में अमन कोशिशों के लिए नया ब्लॉक बनाने का फैसला। नए ब्लॉक में उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान और तुर्की शामिल होंगे। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने का आज़्म। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की ताशकंद में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरा उज़्बेकिस्तान के हवाले से ख़ुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं दोनों ममालिक ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप माहदा कर लिया। रेलवे लाइन से तजारत के नए दरवाजे खुलेंगे। तमाम पड़ोसी ममालिक के सरों पर महाजरीन की आमद का खौफ मंडला रहा है। हुकूमत का आवाम को बड़ी ईद पर बड़ा तोहफा। पेट्रोल की कीमत में 5.40 रुपये फी लीटर इजाफा। डीजल की कीमत में 2.54 रुपये फी लीटर और कैरोसिन ऑयल 1.39 रुपये फी लीटर, लाइट डीजल 1.27 रुपये फी लीटर महंगा हो गया। मामले खसूसी शहबाज गिल ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म ने उग्र सिफारिशात के बरअक्स आवाम को हद दर्जा रिलीफ फराहम किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 40 लाख टन गंदम दरामद करने की मंजूरी दे दी। 10 लाख टन निजी शोभा, जबकि TCP, पास्को और दीगर सरकारी इदारे 30 लाख टन गंदम दरामद करेंगे। कोरोना वायरस फिर से बेकाबू। मुल्क भर में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा। मुस्बत केसेस की शरह 6% से तजावज कर गई। 24 घंटों में 2327 अफराद में वायरस की तस्दीक। 31 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। चीन से कोरोना वैक्सीन की एक और खेप पाकिस्तान पहुंच गई। लाहौर के इलाके वसनपुरा शादबाग में 2 मंजिला इमारत जमीन बोस। एक ही खानदान के 6 अफराद जां बहक। लाशें मलबे से निकालकर अस्पताल मुंतकिल। अहले इलाका के मुताबिक गिरने वाले घर पर तीसरी मंजिल भी तामीर की जा रही थी। सिंध, बलोचिस्तान और कश्मीर के बेशतर शहरों में आज बादल खुल कर बरसेंगे। आज भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। समाजी तंजीम साउथ एशिया पार्टनरशिप पाकिस्तान के प्रोग्राम जज्बा के तहत जज्बा डिस्ट्रिक्ट फोरम के इजलास का इनेकाद। ग्लोबल अफेयर्स कैनेडा के नुमाइंदा खसूसी अरशद गुल और समाजी तंजीम की प्रोग्राम मैनेजर शबनम रशीद समेत समाजी और सियासी रहनुमाओं, वकला, सहाफियों, ताजरों और तलबा की भी खसूसी शिरकत। हज के लिए आज़मीन की मक्का मुकर्रमा आमद का आगाज़ कल से होगा। हफ्ते की रात से हज के अरकान की बाकायदा अदायगी शुरू होगी। पीर के रोज़ वकूफ़ अरफा अदा किया जाएगा। कोरोना के बाद सिर्फ 60,000 मुकामी अफराद हज की सआदत हासिल कर रहे हैं। मस्जिदुल हराम से मैदान अरफा तो मुदलफा के लिए खसूसी बस सर्विस चलेगी। पाक इंग्लैंड T20 सीरीज का पहला मैच आज नॉटिंगम में खेला जाएगा। मोहम्मद हफीज का कहना है, जनूबी अफ्रीका की तरह इस सीरीज में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। हसन अली पहले T20 से बाहर। फास्ट बॉलर के बाएं टांग में खिंचाव। डॉक्टर्स ने आराम का मशवरा दे दिया।